हेलो नमस्कार साथियों, सक्सेस क्लासेस वल्लभ नगर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे नस्लें, और इस नस्लों की कड़ी के अंदर आज अपन पढ़ेंगे कैमल की नस्लें या ऊँट की नस्लें। ठीक है, तो ब्रीड्स ऑफ कैमल के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडियन कैमल ब्रीड रजिस्टर्ड जो है NBA GR के अंदर, तो वो कितनी है? टोटल 9 ब्रीड है, जिसको अपन ने 3 पार्ट में लिया है। सबसे पहले बात करें राजस्थान, गुजरात और MP, और मैक्सिमम राजस्थान के अंदर ही है। तो राजस्थान में कौन सी ब्रीडें हैं? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और जालोरी। यानी 6 नस्लें जो है वो कहाँ से संबंध रखती है? राजस्थान से संबंध रखती है। फिर इसके बाद बात करें गुजरात से संबंधित, तो कच्छी और खराई जो नस्ल है वो कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। और मालवी जो नस्ल है वो कहाँ से संबंधित है? MP से। अब मैं बात करूं ऊँटों की जो देसी नस्लें हैं उनके वर्गीकरण की, तो ऊँटों की जो देसी नस्लें हैं उनको अपन 2 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो आपके हो गई पहाड़ी नस्लें और दूसरी हो गई मैदानी या प्लेन नस्लें। ठीक है, यानी जो प्लेन एरिया में रहती है, एक तो पहाड़ों पे रहते हैं वो, और दूसरे हो गए जो प्लेन एरिया में रहते हैं। और प्लेन एरिया में भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो डेजर्ट ब्रीड बोल देंगे यानी कि मरुस्थलीय नस्लें बोल देंगे, या फिर रिवराइन यानी कि नदीय नस्लें जो होगी वो बोल देंगे। यानी या तो क्या हो जाएगी, रिवराइन हो जाएगी, जैसे कि अपने खराई है बात करेंगे इसकी, इस तरीके से रिवराइन हो जाएंगे, या फिर अपने कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, मरुस्थलीय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो बात करते हैं इन्हीं के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर बात करें अपन कौन सी हो जाएगी, फिर एक और तरीके से बात करते हैं ऊंटों की नस्लों का कौन सी हो जाएगी, बोझा ढोने वाली नस्लें और सवारी नस्लें। ये तो पर्पस थी 2 कौन से, रहने के हिसाब से कि पहाड़ी एरिया में रह रही है तो पहाड़ी नस्लें, मैदानी एरिया में रह रही है तो मैदानी या प्लेन नस्लें। ठीक है, जैसे मैदानी के अंदर 2 आ गए, डेजर्ट मरुस्थलीय और रिवराइन आ गई। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, ऊंट की नस्लों की, कि ये काम क्या आ रही है, काम के आधार पर, तो बोझा ढो रही है तो बोझा ढोने वाली, जिन्हें बेगाज टाइप कहते हैं, और सवारी करवा रही है तो राइडिंग टाइप हो गई। बेगाज टाइप होती है इसमें 2 प्रकार की होती है बोझा ढोने वाली में, एक तो नदीय हो जाती है और एक पहाड़ी नस्लें होती है, दोनों ही बोझा ढोने वाली में। ठीक है, बोझा ढो रही है तो इसका मतलब इसकी टांगे मजबूत होनी चाहिए, तो स्टर्डी मस्कुलर लेग्स होती है। कैसी लेग्स होती है? स्टर्डी मस्कुलर लेग्स होती है, मजबूत मस्कुलर लेग होती है। कैसी लेग होती है? टांगे होती है, मस्कुलर टांगे होती है, मजबूत टांगे होती है। ठीक है, मांसल टांगे होती है। नदीय नस्लें और पहाड़ी नस्लें इसके अंदर शामिल की जाती है। राइडिंग या सवारी नस्लों के अंदर बात करूं तो इनके जो पैर है, लेग है, वो क्या होते हैं, थिन होते हैं इनकी तुलना में। इनको तो बोझा ढोना है तो पैर इनके मजबूत है, मस्कुलर है, लेकिन इनके जो पैर होते हैं वो पतले होते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा दूरी तक चलना है। तो इसके अंदर अपने आती है मरुस्थलीय नस्लें, जैसे कि आपकी जैसलमेरी आ गई और आपकी बीकानेरी आ गई। जैसलमेरी और बीकानेरी जो नस्लें हैं वो राइडिंग ब्रीड्स के अंदर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था कैमल के बारे में। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बेगाज टाइप में कौन सी आती है, राइडिंग के अंदर कौन सी शामिल की जाती है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा एक आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। अब अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीकानेरी ब्रीड के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो बीकानेरी ब्रीड है ये सिंधी, बलूची, अफगानी और भारतीय ऊँटों की जो नस्लें हैं उन सभी का क्या मानी जाती है, संकरण मानी जाती है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऊँट की सर्वोत्तम जो नस्ल है वो कौन हो गई, अपने ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल हो गई बीकानेरी। घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल में कौन थी, काठियावाड़ी, और ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल में कौन है, बीकानेरी। इसकी एक खास पहचान कि इसका सिर जो कैसा होता है, गुंबदाकार होता है, यानी कि डॉम शेप सिर होता है। ठीक है, और आंखों के ऊपर की तरफ ललाट पर एक गड्ढा पाया जाता है, और उस गड्ढे का नाम क्या है, स्टॉप है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप मिलेगा कहाँ मिलेगा, पहली बात तो सिर गुंबदाकार होता है और आंखों के ऊपर की तरफ ललाट पर एक धसा हुआ सा गड्ढा पाया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। ठीक है, बीकानेरी ऊंट के जो आईब्रो, उसके आईलिड और कानों पर कैसे होते हैं, लंबे काले बाल पाए जाते हैं,
और उन्हें स्थानीय भाषा में जीपराज कहते हैं। देखो दोस्तों, जीपराज से अपने को याद नहीं रहे तो भी मैं कहता हूं इसको सीधा बोलो जीपड़ा, है ना। आंखों के भौहों पे, कानों पे यहाँ बाल होते हैं और अपन इसे क्या कह देते हैं स्थानीय भाषा में, जीपड़ा कह देते हैं। याद रख लेना, नहीं भूलोगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है, जीपराज या फिर जीपड़ा कह देंगे, ठीक है। चलिए, जैसलमेरी सवारी व सामान ढोने में काम आते हैं मुख्य रूप से जैसलमेरी वाले। तेज गति के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए इनको किस में यूज किया जाता है, दौड़ में यूज किया जाता है। एक ठंडी रात में, मतलब अच्छा सुहावना मौसम होगा, तो लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी एक रात में ये तय कर लेते हैं, यानी अच्छी खासी दूरी जो है ऊंट ये तय कर लेते हैं, 100-150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये जो प्रशिक्षित किए जाते हैं, यानी ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसलमेरी ऊंट बहुत जल्दी आसानी से क्या हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं। और आपको सीधी सी बात पता है कि जो ट्रेंड ऊंट होंगे उनकी कीमत भी ज्यादा लगेगी, यानी जो ट्रेंड ऊंट होते हैं वो ज्यादा महंगे बिकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और बता दूं, जीके के अंदर अपन नाचना ब्रीड का नाम सुनते हैं, जिसको बीएसएफ में भी यूज किया जाता है नॉर्मली। और यहाँ पे बीएसएफ के लिए अगर बात पूछे कि कौन सी ब्रीड आएगी, तो जैसलमेरी ब्रीड जो है वो यूज की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखना। बीकानेरी और जैसलमेरी ब्रीड के अंदर कुछ अंतर लिखे हैं मैंने। तो त्वचा के रंग के बारे में कहूँ तो बीकानेरी गहरा भूरा होता है, जबकि जैसलमेरी है वो हल्का भूरा होता है। आंखों के ऊपर धसाव जिसे स्टॉक कहते हैं, ये बीकानेरी में तो उपस्थित होता है लेकिन जैसलमेरी में ये अनुपस्थित होता है। बीकानेरी का सिर जो है वो गुंबदनुमा होता है, जबकि इसका सिर है वो सामान्य होता है। गुंबदनुमा यानी डोम शेप्ड, ध्यान रखना है। सामान्य ऊंचाई की बात करें तो बीकानेरी की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है, 10 से 12 फीट होती है, जबकि जैसलमेरी की सामान्य ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है, यानी कम होती है किसकी तुलना में, बीकानेरी की तुलना में। तो ये दोनों में तुलना हो गई, और दोनों में स्टॉप, डोम शेप, गुंबदाकार, जीपराज, ये सब किसके अंदर मिलेंगे, बीकानेरी में। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल कौन है, बीकानेरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। बीएसएफ से लिंक पूछे तो कौन सा कर देना है, जैसलमेरी कर देना है। अब बात करते हैं मेवाड़ी की, वेल नोन फॉर मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल, यानी कि दूध उत्पादन। ऊंटनी के दूध की जो बात करें तो दूध उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से जो पोटेंशियल है दूध उत्पादन का वो किसके अंदर माना जाता है, मेवाड़ी के अंदर, ठीक है। मेवाड़ी ना, अब देखो मेवाड़ी मतलब मेवाड़ एरिया में पाया जाएगा, यानी उदयपुर और ये जो एरिया है इसमें, जो अरावली पर्वतमाला के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया में पाए जाते हैं। मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों में मजल कैसा होता है, ढीला ढाला होता है, और निचला होंठ जो है वो कैसा होता है, लटका होता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट करैक्टर होता है कि जो मजल है वो ढीला ढाला होता है और निचले जो होंठ है वो कैसे होते हैं, लटके हुए से होते हैं। तो वो कौन सी नस्ल है, मेवाड़ी नस्ल है, ठीक है। हड्डियां छोटी और मजबूत होती है, छोटी और मजबूत होने का रीजन है कि अरावली पर्वतमाला के आसपास रहता है तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। सोल पेड मोटे और कठोर होते हैं, तो सीधी सी बात है जो तलवे होंगे वो मोटे और कठोर होंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया में है। अगर कोमल और गद्देदार होंगे तो इसको तकलीफ होगी। कोमल और गद्देदार कहाँ मिलेंगे, आपके जैसलमेरी में और बीकानेरी में मिलेंगे, क्यों, क्योंकि रेत में चलते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में तो इनके सोल पेड यानी तलवे कैसे होते हैं, इनके मोटे होते हैं और कठोर होते हैं। यूज क्या है, पहाड़ी क्षेत्र जो है उनमें सामान ढोने में, परिवहन में और कृषि कार्यों में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे, ये जो अरावली पर्वतमाला के आसपास का एरिया है। अब एक और बात, अरावली पर्वतमाला के आसपास का एरिया तो पहाड़ियों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जंगलों में खूब सारी मधुमक्खियां होगी, तो उनसे बचाव के लिए इनके शरीर के ऊपर क्या होते हैं, कॉर्स हेयर होते हैं, बहुत घने से टाइप से बाल होते हैं, तो वो मधुमक्खियों से इनको क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट ब्रीड की बात करूं मालवी, तो ये कहाँ की है, मालवा एमपी की। कच्छी कहाँ की है, कच्छ का रण गुजरात की। और ये खराई जो नस्ल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ देख करके जाएगी आपको, तो भुज गुजरात से है। इस कैमल को अपन स्विमिंग कैमल के नाम से भी जानते हैं। स्विमिंग कैमल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो इसकी, ये जो कैमल है, कौन सा, खराई जो कैमल है, इसका मुख्य भोजन होता है मैंग्रोव वनस्पति। क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पति इसका मुख्य भोजन होता है, और इस वनस्पति की तलाश में ये क्या करता है, समुद्र के अंदर 3-4 किलोमीटर तक स्विमिंग करते हुए चला जाता है।
इस वनस्पति को खाने के लिए, क्योंकि ये जो वनस्पति है मैंग्रोव वनस्पति है समुद्र के अंदर ही मिलेगी, तो इस वनस्पति को खाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक स्विमिंग करते हुए तैरते हुए चला जाता है। इसलिए इसे पहली बात तो स्विमिंग कैमल कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य भोजन क्या हो गया, मैंग्रोव वनस्पति हो गया, ठीक है। और सीधी सी बात है, समुद्र के अंदर जा रहा है 3-4 किलोमीटर तक, तो इसको टाइम लगेगा, तैरता तैरता वापिस आएगा तो भी टाइम लगेगा। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो इसकी स्किन खराब हो सकती है, तो इसके लिए इसको अपने आप में अनुकूलन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर खारे पानी के प्रति क्या पाई जाती है, अनुकूलन क्षमता पाई जाती है, यानी इसकी स्किन इस टाइप की होती है कि खारा पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो सारी चीजें अनुकूलन के हिसाब से हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, खराई जो कि भुज गुजरात से है, ये क्या करता है, इसका मुख्य भोजन होता है मैंग्रोव वनस्पति। उस भोजन की तलाश में कहाँ चला जाता है, उस भोजन की तलाश में ये समुद्र के अंदर 3-4 किलोमीटर तक स्विमिंग करते हुए चला जाता है, और स्विमिंग करने की वजह से, तैरने की वजह से इसे स्विमिंग कैमल कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की तलाश में जाता है, समुद्र का पानी खारा होता है तो स्किन खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए इसके अंदर खारे पानी के प्रति अनुकूलन क्षमता पाई जाती है ताकि स्किन खराब ना हो, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अपन जालोरी की, नेक्स्ट ब्रीड कौन सी है, जालोरी। जालोरी जो ब्रीड है दो का क्रॉस है, किस किस का दो का क्रॉस है, मारवाड़ी का और जैसलमेरी का क्रॉस है। जालोरी है वो किसका क्रॉस है, मारवाड़ी का और जैसलमेरी का क्रॉस है, ठीक है। लूणी नदी का जो दक्षिणी भाग है वो इसका क्या है, उद्गम स्थल है, और मुख्य रूप से परिवहन हेतु क्या होता है, ये उपयोगी होता है, कौन सा, जालोरी, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी कंप्लीट बातें अपने हो गई किसके बारे में, कैमल ब्रीड यानी ऊंट की नस्लों के बारे में, ठीक है दोस्तों। बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली जो क्लास आएगी उसमें सभी ब्रीड्स निपटा दी जाएगी। जैसे बात करें अपन खरगोश की ब्रीड है, ठीक है, उसके बाद बात करें अपन बिल्ली की, और उसके बाद बात करें कुत्ते की। तो दोस्तों इनमें से क्या होता है कि कुछ मेन जो ब्रीड है उनके नाम लिखा दूंगा, ताकि कई बार क्वेश्चन ऐसा बने कि निम्न में से कौन सी ब्रीड कुत्ते की नहीं है, निम्न में से कौन सी ब्रीड बिल्ली की नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक क्लास अगली ये हो जाएगी, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि नई जो नस्लें ऐड हुई है उनके बारे में बात करेंगे, और फिर अंत में सभी ब्रीड्स जो है उनको क्या कर देंगे, मेन चीजों को अपन समराइज कर देंगे। इस तरीके से अपने LPM का जो बहुत बड़ा पोर्शन है ब्रीड्स वाला समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों से शेयर किया करो, ओके। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।